इंडोविजन टेलीविज़न देखने वालों की सेवा में ममता भटनागर का नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि दूसरे विदेशियों की तरह हिंदुस्तानी भी सन 1970 में डेनमार्क में आना शुरू हुए। ये भारतीय आज डेनमार्क के अलग अलग हिस्सों में आबाद हैं। हिंदुस्तानियों की आबादी राजधानी कोपेनहेगन में सबसे अधिक है। शुरू शुरू में ये हिंदुस्तानी अन्य विदेशियों की तरह फैक्ट्रियों में काम करते थे। आज इन हिंदुस्तानियों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, अपने रेस्टोरेंट हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है और कई ऊंची सरकारी अहदों पर काम कर रहे हैं। डेनमार्क में रहने वाले भारतीय परिवारों की तादाद लगभग 335 है और कुल मिलाकर 1500 के करीब व्यक्ति हैं। इनमें से कुछ एक ने डेनिश नागरिकता ले रखी है, परंतु यह खुद को भारतीय ही समझते हैं। इंडोविजन टेलीविज़न की इस पहले कार्यक्रम में आप डेनमार्क में रहने वाले इन भारतीय व्यक्तियों में से चंद एक से मुलाकात करेंगे। अब हम आपकी मुलाकात डॉक्टर माथुर, जो डेनमार्क में इंस्टीट्यूट ऑफ सी पैथोलॉजी में डायरेक्टर हैं, उनसे करवाते हैं। उन्होंने श्री एम हरवानी से एक मुलाकात में अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। इंस्टीट्यूट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क जो है उसके अंडर है। उसमें एक सेक्शन है मिनिस्ट्री में जिसको कहते हैं डानिडा, उसके अंदर में हम काम करते हैं। और हमारा इंस्टीट्यूट जो है 1966 में यहाँ डेनमार्क में बना था और अब तक करीब 425 साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, करीब 70 डेवलपिंग कंट्रीज से आ चुके हैं हमारे यहाँ। इंडिया से करीब 76 हैं। ज़्यादातर जो लोग बाग हमारे यहाँ आए हैं वो यूनिवर्सिटीज से और रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए हैं। जब ये लोग वापस गए तो उन्होंने वहाँ पर हमारी साइंस को अपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत से आदमी चाहिए हमें वहाँ पर जो कि इस साइंस को जानते हों, ताकि हमेशा एग्रीकल्चर में जितनी कम से कम बीमारियाँ हो सकें उतना हो। और ये तो हिंदुस्तान को मालूम ही पड़ गया है, इसी वजह से उन्होंने एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन सीड बॉर्न डिजीजेस खोल दिया है, जिसमें कि एक हमारे पुराने जो यहाँ के पढ़े हुए डॉक्टर सिद्दीकी हैं वो जो हैं उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और उनका काम ही ये है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए वहाँ पर कि जिनसे कि बीमारियाँ कम हो सके। डॉक्टर माथुर ने श्री हरवानी को बताया कि उनके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए डेनिश फॉरेन मिनिस्ट्री डेनिडा के तहत स्कॉलरशिप देती है। डॉक्टर माथुर ने कहा, स्कॉलरशिप देना होता है किसी भी कंट्री को जैसे कि इंडिया को, तो डेनिडा के द्वारा हिंदुस्तान में जो हमारी डेनिश एम्बेसी है उसको हम लिख देते हैं, तो वो इंडियन काउंसिल को बताते हैं कि भाई इतने इतने स्कॉलरशिप वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो अखबारों में निकाले जाते हैं। डॉक्टर माथुर ने कहा कि उनके इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं कि उन्हें डेनिश आती हो। नहीं, डेनिश जरूरत तो नहीं है, लेकिन अच्छा है अगर डेनिश आती हो। हमारे यहाँ जो मीडियम है पढ़ाने का वो इंग्लिश ही है। अब आइए हम आपकी मुलाकात डेनमार्क में प्रोफेसर यशपाल गुप्ता से कराते हैं। 1935 में भारत में जन्मे प्रोफेसर गुप्ता 1974 से कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। 1978 में इनकी किताबें छप चुकी इकोनॉमिक्स पर। यहाँ के स्टूडेंट्स और हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स में काफ़ी फ़र्क है। मैं कहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पावर में बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा बुकिश टाइप है और वो ज़्यादा अटेंशन उनकी हमेशा उसी साइड पर रहती है। स्टूडेंट्स का रोल है या बिहेवियर की बात आप कर रहे हैं कि दे डोंट अटैच मच इम्पॉर्टेंस टू दैट, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में एंट्री होती है फर्स्ट टाइम तो उनको फूल बनाया जाता है, या यूनिवर्सिटी में आते हैं तब भी उनके साथ कोई ना कोई शरारतें की जाती हैं, ऐसा सिस्टम यहाँ बहुत कम है पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब तक स्टूडेंट्स टीचर से सेटिस्फाइड हैं तो कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में उनके रिलेशंस खराब हों।
डेनमार्क फॉरेन कर्जों के बहुत तले दबा हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनी एक दूसरे से घुलमिल कर अपनी जिंदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो अगर आप डेनमार्क स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स देखें तो कम हो रही है, अगर आप पब्लिक की तरफ देखते हैं तो बढ़ रही है। फर्क यही है कि डेनमार्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको फास्ट जिसको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स देता है, और जबकि कैजुअल जैसे किसी ने 4 घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया, तो वो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाती है। जी बताइए, अभी का जो फिगर है अनएम्प्लॉयमेंट का करीब 2,80,000 है, ये कभी कम किया जा सकता है? ये तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर जो आप कह रहे हैं 280,000 जिसकी आप बात कर रहे हैं, कि अगर आप सोचें कि कभी जीरो पे आ जाएगी, नेवर। डेनमार्क ने भारत में जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डेनमार्क इंडिया को काफ़ी एड दे रहा है डेनिडा के थ्रू, और वो जो एड है मोस्टली हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डायरी सेक्टर में ज़्यादा यूज़ हो रही है। साइंटिफिक सेक्टर में बहुत कम है, कुछ वहाँ डैनिश फैक्ट्रीज भी हैं, फॉर एग्जांपल एफएल स्मिथ की जो है सीमेंट फैक्ट्री है, उनकी काफ़ी कोलैबोरेशन है, और इंडिया में एफएल स्मिथ के नाम का सीमेंट भी बिकता है, और भी कई चीज़ें डेनमार्क की जाती हैं वहाँ पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हेल्प जा रही है एक्चुअली ये हेल्थ सेक्टर, डायरी सेक्टर और आपके एजुकेशन सेक्टर में जा रही है। हिंदुस्तान से अक्सर स्कॉलरशिप पर स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी कोई हिंदुस्तानी स्टूडेंट है? हिंदुस्तान के कहिए, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, ईरान से भी हैं, क्या नहीं करें। तो इस वक्त आपके यूनिवर्सिटी में कितने हिंदुस्तान से स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं? यूनिवर्सिटी का तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट की बात है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इस टाइम कोई भी नहीं है। भारत से कोई स्टूडेंट नहीं होने का कारण क्या है? अप्लाई नहीं किया उन्होंने कि उनकी एप्लीकेशन पास नहीं हुई या उनकी क्वालिफिकेशन कम है, ये क्या रीज़न है? नहीं, यहाँ मोस्टली लैंग्वेज प्रॉब्लम सबसे पहले आता है। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ये एडवांस लेवल एजुकेशन है, एलिमेंट्री नहीं है, और एडवांस लेवल एजुकेशन समझने के लिए, सीखने के लिए डेनिश लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आदमी या स्टूडेंट इंडिया या पाकिस्तान या अपने देशों से कहीं से भी आता है तो सबसे पहले उसको साल भर डेनिश सीखना चाहिए, और उसके बगैर यूनिवर्सिटी में वो कोई लेसन या कोई लेक्चर्स फॉलो नहीं कर पाएगा। गुप्ता जी, ज़रा आपसे सवाल पूछना है। आप 1974 में डेनमार्क में आए थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, जबकि मेरे ख्याल से आप डेनिश नहीं जानते मोस्ट टाइम, आपने डेनिश सीखने के लिए क्या किया, कैसे डेनिश सीखी, कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये जब मैं आया तो ऐसा कोई हमारे साथ कॉन्टैक्ट नहीं था, वादा नहीं था कि हम डेनिश सीखेंगे। उस टाइम अंडरस्टैंडिंग यही थी कि हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन और हमारी असाइनमेंट सिर्फ 2 साल की थी। 1 साल के बाद इनको हमारा जॉब पसंद आया, टीचिंग पसंद आई, तो इन्होंने हमारे सामने एक प्रपोजल रखी कि भाई अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं तो आपको डेनिश सीखनी पड़ेगी। हमने इनकी बात मानी और वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा गया कि ये नेक्स्ट 2 साल के अंदर डेनिश इस लेवल तक सीख लेंगे कि स्टूडेंट से बातचीत कर पाएंगे। और उसी को देखते हुए हमने डेनिश सीखना शुरू किया, और इसलिए कि तकरीबन 8 महीने या 10 महीने हमें लगे, जिसमें हमने 3 कोर्स पास किए, और उससे हमें बहुत हेल्प मिली, और फिर ग्रेजुअली स्टूडेंट्स से बातचीत करने में और बहुत कुछ सीख गए, और अब तो के इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें लेक्चर भी डेनिश में देता हूँ।